भारत देश में आवेलू तीजा नंबर नु सौथी मोटू म्यूजियम डायनासोर गुजरात में आवेला महिसागर जिल्ला में आवेलू छे अने ते बालासिनोर तालुका में छे जेनी आजे आपणे बात करवा जई रह्या छे। जे डायनासोर पार्क के ज्यां सात प्रकार की प्रजातिओ डायनासोर नी रहती होवानुं विशेषज्ञोए दावो करे छे अने 605 करोड़ वर्ष पुराना अंडा उनु अहीं स्मारक बनावामां आव्युं छे। जे डायनासोर पार्क तरीके जाणीतुं स्थळ छे जेने जोवा माटे मोटी संख्यामां पर्यटको आवता होय छे त्यारे आपणे आजे खास एनी मुलाकात करीए डायनासोर पार्कनी। जुओ आ रह्यो डायनासोर पार्कनो विशेष अहेवाल। भारतवर्ष गुजरात राज्य મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલું બાલાસિનોર તાલુકાનું આ રૈયોલી ગામ છે જ્યાં ડાયનાસોર પાર્ક તરીકે વિશ્વવિખ્યાત છે। ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં સ્થિત પહેલાં હતું બાલાસિનોર, હાલમાં તે મહીસાગર જિલ્લામાં પરિવર્તિત થયું છે ત્યારે રૈયોલી ગામમાં 128 એકર જમીનમાં દેશનું સૌથી મોટું અને દુનિયાનું સૌથી ત્રીજા નંબરનું ડાયનાસોર પાર્ક બનાવવામાં આવ્યું છે। આ ડાયનાસોર પાર્કનો ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે। ડાયનાસોર પાર્કમાં 6.5 કરોડ સાલનો ઇતિહાસ બતાવવામાં આવ્યો છે, મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેમાં 10 આધુનિક ગેલેરીઓ પણ બનાવવામાં આવી છે। ડાયનાસોર કેવી રીતે રહેણ સહન, ખાવાનું પીવાનું, એના જીવન સાથે જોડાયેલી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ કેવી રીતે તેને પ્રાપ્ત થતી હતી તે પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। મ્યુઝિયમની ટાઈમ મશીન અને દુનિયા ગુજરાતમાં અલગ અલગ ડાયનાસોરના અવશેષો જોવા મળ્યા હતા, તે જ પ્રમાણે 55 3D થિયેટર 3D ફિલ્મ પણ આ બાબતે બની ગઈ છે। ત્યારે ડાયનાસોર ડિસ્પ્લે, રાજા સૌરસ ડાયનાસોર, સ્કલ્ચર ડાયનાસોર, ઇવોલ્યુશન ડાયનાસોર, ઇવોલ્યુશન ઓફ ધ અર્થના ડિજિટલ ડિસ્પ્લે, વોલ આર્ટ મુખ્ય મુખ્ય પાર્ક છે। પાર્કમાં સવારે 9 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું મૂકવામાં આવે છે। 36 સાલ પહેલાં મળેલું આ જીવાત્માના અવશેષો છે તે વિશેષજ્ઞોના માનના પ્રમાણે રૈયોલી ગામમાં ડાયનાસોરના 7 પ્રજાતિઓ રહેતી હતી। 36 વર્ષ પહેલાં ડાયનાસોર કે જે 10,000 અંડોનો અવશેષ અહીંયાથી મળી આવ્યો હતો અને દુનિયાનું સૌથી સુરક્ષિત સ્થાન છે જ્યાં મોટી માત્રામાં ઈંડા મળી આવ્યા હતા, જેના અવશેષો મળ્યા હતા, એટલે આ ડાયનાસોર ત્રીજા નંબરનું સૌથી મોટામાં મોટું માનવામાં આવે છે। જે આ પાર્ક ડાયનાસોર પાર્ક જે છે બાલાસિનોર રૈયોલીમાં તે 6.5 કરોડના ઇતિહાસ જે છે તે બતાવતું આ એક સર્વશ્રેષ્ઠ મ્યુઝિયમ છે। વિશેષજ્ઞોના દાવા પ્રમાણે રૈયોલી ગામ એ ડાયનાસોરની 7 પ્રજાતિઓ અહીંયા રહેઠાણ કરતી હતી તેમ તેમણે પણ જણાવ્યું હતું। આ વિશેષ પ્રકારનું ડાયનાસોર છે જ્યાં જોવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે। સરકાર તરફથી પણ અનેક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે હવે આવનાર સમયમાં ડાયનાસોર પાર્કને વધુને વધુ પ્રગતિફૂલ અને જોવાલાયક બનાવવામાં આવે તે ઇચ્છનીય છે। मौजूद है यहाँ करीब 6.5 करोड़ साल पुरानी एक जगह दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर फोसिल पार्क माना जाता है। यह जगह है बालासिनोर डायनासोर पार्क जो कि खेड़ा जिला के बालासिनोर के रैयोली गांव में पड़ती है, लेकिन अभी वो महीसागर जिला में हो चुका है। राज्य के पर्यटन मंत्री जवाहर चावड़ा का कहना कि जल्द ही पब्लिक के लिए ओपन अलाउड किया जाएगा, फिर यहाँ हर कोई डायनासोर के जीवाश्म और अंडे देख सकेगा। 1983 में पहली बार यहाँ खुदाई में जमीन से जीवाश्म मिले। स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार बालासिनोर डायनासोर फॉसिल जीवाश्म के पार्क तकरीबन 52 हेक्टर भूमि में फैला है। 1983 में पहली बार यहाँ खुदाई में जमीन से भारी संख्या में डायनासोर के अंडे मिले थे। यह खुदाई अहमदाबाद से कुछ मील पूरी तरह से 70 किलोमीटर दूरी पर रायनोली गाँव के पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। बालासिनोर से यह जगह 11 किलोमीटर दूर है जहाँ रैयोली गांव पोलियंट्रोलोस्टिक आकर्षण का केंद्र रहा। कुछ वैज्ञानिक के शोध में दावा किया गया है कि यह जगह 6.5 करोड़ साल पुरानी है। सरकार ने यह मरामत कार्य करवा कर यहाँ आने जाने और देखने के लिए भी तैयार हो गए। यहाँ मिले हुए 10,000 अंडे, कुछ शोध में पाया गया कि इसी इलाके में कभी डायनासोर की कम से कम 7 प्रजातियाँ रहती थी। ऐसे में यहाँ डायनासोर का
फाइबर ग्लास के मॉडल्स भी तैयार किए गए जिन्हें दर्शक बालासिनो डायनासोर फॉसिल पार्क में देख सकते हैं। अनुमान है कि यहाँ डायनासोर के 10,000 अंडे मिल चुके हैं जिन्हें दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालय में जगह मिली है। पर्यटन मंत्री जवाहर चावड़ा इसी भारत के पहले उत्खनन प्रदर्शनी के इतिहास को कवर करने वाले सूचनात्मक संग्रहालय के तौर पर देखते हैं। देखिए आप ये वीडियो भी। पर्यटन मंत्री का कहना है कि अब खुखार डायनासोर की 65 मिलियन की वर्षगांठ का इतिहास प्रस्तुत कर रहा है जिसे 36 साल पहले मध्य गुजरात के नवाबनगर बालासिनो में खोजा गया था और राज्य पर्यटन निगम द्वारा आयकर दिया गया। देश को आज़ादी मिलने से पहले तक बालासिनो बाबी वंश का नया राज्य था जिसे बालासिनो राज्य कहा जाता है। यहाँ मराठा और ब्रिटिश शासन रहा है। वर्ष 2003 में यहाँ डायनासोर की टिरोनोसॉरस रेक्स कैबिले प्रजाति के अवशेष मिले। इसके अंडे इतने विशाल थे कि उन्हें राजमहोत्सव नर्मदा के राजा के रूप में नामांतरित किया गया था जिनकी हड्डियां को नर्मदा के किनारे प्रस्तुत किया गया था। 2003 में मिले अवशेषों में मस्तिका की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी और हड्डी की हुई भी हड्डी शामिल थी हड्डी की भी शामिल हुई थी। इसी तरह बालासिनो फॉसिल पार्क में डायनासोर के जीवाश्मों के अलावा और भी कई चीज़ें देखने की जा सकती है जहां 5D थिएटर, 3D फिल्म, मेसोजोइक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट, म्यूजियम, अल्पायरा हाउस, सुवेनियर शॉप, पीने का पानी, टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध है। डायनासोर के डिस्प्ले के संग्रह के आकर्षक मुख्य प्रवेश द्वार की रचना राजसोरस डायनासोर के स्केचलर, पृथ्वी के डिजिटल डिस्प्ले का विकास, वॉल आर्ट आदि इसी पार्क में रखे गए हैं। डायनासोर पार्क परिसर की स्थापना के लिए फॉसिल पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी भी बनाई गई है।